इधर उत्तर प्रदेश के लांजी स्थित शासकीय महाविद्यालय में छात्र हड़ताल पर बैठ गए हैं। छात्रों का कहना है कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी ने दूसरे साल का रिजल्ट जारी किया है, अधिकतर छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जिस कारण उनका दो साल बर्बाद हो जाएगा, जिस कारण सभी छात्र जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। मामले की जानकारी लगते ही लांजी के पूर्व विधायक किशोर समृते भी मौके पर पहुंचे और हड़ताल कर रहे छात्रों से चर्चा की। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। क्या नाम है आपका? रूपेंद्र पालेवाल। किस कॉलेज में पढ़ते हैं आप? शासकीय महाविद्यालय लांजी में। क्या शंका है आपका? शंका क्या है? विषय हमारा इंग्लिश लिटरेचर। ओके, क्या समस्या आप लोगों की? सर, इस वर्ष जो हमारे कॉलेज का रिजल्ट आया है सेकेंड ईयर का, वह बहुत डाउन आया है। सभी का रिजल्ट इस तरह आया है कि कोई विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है और सभी के नंबर बहुत कम आए। जैसे और 3 घंटे का एग्ज़ाम दिए हमने तो उसमें 60 में से 60 फेल हुए इंग्लिश सब्जेक्ट में, और किसी का नंबर 2, किसी का 3 और 5, ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर आए हैं और इससे ज़्यादा किसी को नहीं। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि अगर इस हमारा हम यही चाहते हैं कि हमारा एडमिशन फाइनल ईयर में हो गया है और 6 महीने भी पूरे बीत गए हैं, उसके बाद रिजल्ट आया है तो कि सब बच्चे फेल हो गए, इस वजह से हम सेकेंड ईयर की पढ़ाई करें या फाइनल ईयर की, तो इससे हमारा 2 साल बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जनरल प्रमोशन करें।